मैं हूं आज। और देखिए कि पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर में अनिल महतो हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है, यानी 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महज पेट्रोल डलवाने को लेकर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, दोनों में विवाद हुआ था और उसके बाद दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। दरअसल मामला कुछ यूँ था कि अनिल महतो और अपने दोस्त के साथ पेंटिंग का काम करते थे। दोनों लोग पेंटिंग का काम कर लौटे थे और पेट्रोल डलवाने को लेकर श्यामपुर में पेट्रोल पंप के पास विवाद हुआ, यानी पैसे देने को लेकर विवाद हुआ और दोस्ती में इतनी दरार पड़ गई कि वो अपने ही दोस्त को छोटका साखे तथा कवही गांव के बीच एक पुलिया के पास चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी, जिसमें अनिल महतो को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कुछ यूँ था कि दोनों दोस्त थे और पेंटिंग का काम कर लौट रहे थे, तभी ये विवाद हुआ था। वहीं घटना स्थल से एक छुरा बरामद हुआ है, जबकि दो जोड़ा चप्पल और एक मोबाइल फ़ोन और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसी तरह से गिरफ्तारी मेधु महतो की गिरफ्तारी हुई है, जो कवही गांव का ही रहने वाला है। बताया जाता है कि ये दोनों लोग दोस्त थे और पेंटिंग एक साथ ही करने जाते थे, दोस्ती के बाद ये लोग लौट रहे थे तभी यह हत्या हुई है। फिलहाल इसको लेकर के गोपालगंज के SP स्वर प्रभात ने प्रेस वार्ता किया है, आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ वो प्रेस वार्ता में बता रहे हैं। उसका गांव थाना अंतर्गत पेंटर अनिल महतो की अज्ञात अपराधियों के द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए SDPO हथवा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इसका पेंटर साथी ही इसकी हत्या किया था अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर, और जो रिश्ते में इसका चचेरा मामा भी लगता है। और विवाद का कारण छोटा सा है, पेट्रोल का पैसा देने के लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसका जो पेंटर साथी है जो हमेशा चाकू अपने साथ रखता था उसी चाकू की प्रयोग करते हुए इसकी हत्या कर दी थी। इसमें इसका एक और सहयोगी भी है जिसकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। घटनास्थल से जो अपराधी है उसका एक जोड़ा चप्पल बरामद किया गया है और घटनास्थल से ही मृतक का चप्पल भी बरामद किया है जिसको FSL में भेजा जा रहा है, और घटना में जो प्रयुक्त छुरा है उसको भी विधिवत जब्त किया गया है। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह जैसे मैंने बताया वो छोटा सा था, पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल भराने के लिए रुके थे और वहाँ पर पैसा को देने को लेकर नोकझोंक हुआ, यह विवाद बाद में बढ़ गया और इसकी चाकू से हत्या कर दी गई। कितने पैसे? ज़्यादा पैसे का विवाद नहीं था, ये चूँकि पेट्रोल भराने का पैसा था तो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये का विवाद था। ये 24 घंटे के अंदर टीम ने घटना का उद्भेदन कर लिया था और इसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में गिरफ्तार कर अग्रसारित कर रहे हैं। आरोपी पर पहले से कोई दूसरा मामला सर नहीं? अभी इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, अब तक हम लोग को सामने ऐसा कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरह से गोपालगंज के SP स्वर प्रभात ने बताया है कि कार्रवाई किस तरह से की जा रही है और महज 24 घंटे के अंदर में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने अपने ही दोस्त को महज पेट्रोल भरवाने के लिए हत्या कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।